धनवंतरी की जयंती एवं उन्हें समर्पित धनतेरस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के सम्मान में पूरे भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के जन आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना ये उद्देश्य है। तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और आम जनता के लिए आयुर्वेद। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आयुर्वेद की गोल्ड माइन की खदान पर बैठा हुआ है, जहां हर्ब्स लगभग 1123 रिसर्च द्वारा प्रमाणित मेडिसिनल प्लांट जम्मू कश्मीर में है, जिन्हें सोने में बदला जा सकता है। अनेक किसान भाइयों ने शायद उन प्लांट्स को देखा होगा और जानकारी के अभाव में शायद वह नहीं समझ पाए होंगे उनके आसपास ऐसी वैल्यूएबल कमोडिटी मौजूद है जो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस अभियान के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक बनाना है। उनके पास ग्रीन गोल्ड है और मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ाई जा सके। कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ग्लोबली योगा और आयुर्वेद को स्वीकार्यता मिली है। आज जिस प्रकार पूरे दुनिया में आयुर्वेद का पुनरुत्थान हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि सबको आशा बंधी है कि अगले 5 वर्षों में आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय संस्कृति में उल्लिखित जीवन शैली वैकल्पिक न होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होगी।